आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अब्दुल कादर शेख है जी। पिताजी का नाम अब्दुल गफ्फार जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं कुरला में रहने वाला एक नागरिक हूँ जी। अच्छा, आप डॉक्टर विनायक सेन के बारे में क्या जानते हैं? मैं इनके बारे में कुछ बीच में एक न्यूज देखा था जी, तो न्यूज में ऐसा कुछ मैंने सुना था कि आज इतने बड़े डॉक्टर को, विनायक सिंह जो डॉक्टर है जो इतने बड़े हैं, उनको एक लेटर के बारे में उनको उम्र कैद दिया गया, मतलब ये गलत है जी। अगर किसी को ऐसा चिट्ठी किधर मिलती है जी, अगर कोई लेटर मिलता है जी, तो ये जो है गलत है जी। इसका एग्जाम मतलब हमको गलत लगा, जो एक नेता किसी के भी नाम से किसी को भी डाल सकता है आदमी, वो गलत है, उसको माना नहीं जाता है। माना वही बात को जाता है जो अपने आंखों से देखते हैं हम, ये इंसान गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, देश में ऐसा कुछ छोटा कर रहा है, तो एक बात बनती है। हम अगर किसी के एक लेटर से किसी को पकड़ के उम्र कैद कर दो तो गलत बात है, हमारे देश में गुनाह है। अगर तुम सच्चाई उनके बारे में देखे हो, जानते हो, तो जब उनको तुम एक सजा दे सकते हो। ऐसा लेटर कोई भी किसी के नाम से करके डाल देगा तो गुनहगार नहीं होता, और वो अभी तक साबित भी नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ है। लेकिन न्यूज पेपर में वगैरह तो बोलता है कि वो नकली है। मैडम मेरा तो कहना यही है, जो आप देखेंगे हम देखेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर मेरे को कोई आके बोलता है कि ये इंसान ऐसा फ्रॉड है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब तक नहीं करूंगा जब तक अपने आंखों से मैं उसको देख लूँ कि इंसान ऐसा इस कदर का है कि नहीं, जब मैं उसको मानूंगा कि कहीं यह गुनहगार है। आप मानते हैं कि डॉक्टर विनायक सिंह नक्सली या माओवादियों के साथ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई हमने कभी सुना नहीं, ना देखा जी, ना कोई ऐसी बात हुई। ये तो अभी अभी सब खबर आने लगी है जी, उल्टी सीधी खबर। आज तो हमारी जनता ऐसी हो गई कि अच्छे इंसान के पीछे पड़े रहती है, जो अच्छा करता है उसको पीछे कर देते हैं, जो बुरा करता है उसको आगे रखता है हमेशा। तो आप मानते हैं कि उनको जो उम्र कैद की सजा हुई है ये डॉक्टर विनायक सिंह के साथ अन्याय हुआ? अन्याय हुआ है जी। ठीक है अब्दुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विनायक सेन जी के लिए कोई मैसेज देना है? कोई संदेश देना है तो वही हमको देना है कि हम भी तुम्हारे साथ में, जैसी जनता आपके साथ में होता है, बहन मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मैं भी आपके साथ में हूँ। मैं भी यही चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द रिहा हो जाए। और भारत सरकार के लिए कुछ कहना चाहते हैं? भारत सरकार के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो होता है वो गलत होता है, और जो नहीं होता उसको हम एक्सेप्ट करते हैं जी। तो जो हम देखेंगे वही काम करोगे हमको अच्छा लगे, कि हमने हमारी आंख से देखा कि इंसान ऐसा करता है, इसको लेके बैठता है, ऐसा देता है सामान, ऐसा कुछ फ्रॉड काम करता है जी। तो जब उसको एक्सेप्ट करा जाता है जी, हम हमारी आंख से देखेंगे तो उसको हम गुनहगार नहीं बोल सकते। आपका मतलब है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक उनकी जो सजा है और उनको बेल मिलना चाहिए? बेल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक जमानत मिलना चाहिए। सबूत तो अभी तक उठता हुआ नहीं जी, सबूत अगर मिलता है तो जब आदमी को ऐसा तुम अंदर रख सकते हो जी। मेरा बोलने का यही मतलब है कि अगर उसका पूरा सबूत मिलता है जब उनको सजा दिया जाए। जैसे और भी जो बड़े बड़े जो मुस्लिम जो छूट गए, इतनी बड़ी बड़ी जो मतलब गुनाह करे उनको छोड़ दिया गया, तो फिर एक इंसान के बारे में तो उनके भी बारे में सोचना चाहिए हमारे को, कि इनको जल्द से जल्द फेल हो जाए, और उनका अगर सबूत मिलता है तो उनको सजा हो, जो गुनहगार है उसको गुनाह सजा। धन्यवाद, बहुत बहुत।